हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बीटेक में। और जो आप के लिए आज मैं टॉपिक लाया हूँ दोस्तों, उसमें आज हम बात करने वाले हैं जो भी मतलब कि पिक्सल्स में कलर किस तरह आते हैं और फोटो में मतलब कि कलर किस तरह चढ़ जाते हैं पिक्सल के कलर आने से। तो दोस्तों, जो पिक्सल में कलर्स आते हैं दोस्तों, वो RGB के फॉर्मूले से आते हैं, जिसमें कि दोस्तों इसमें मतलब कि अलग अलग टाइप में RGB को बांटा जाता है। और दोस्तों जो ग्रीन कलर होता है उसको मतलब कि ज़्यादा रखा जाता है, क्योंकि दोस्तों ग्रीन कलर की मतलब कि अगर इस रेशो में डाला जाए तो दोस्तों कलर की जो मतलब कि परफॉर्मेंस होगी वो दोस्तों नेचुरल आने की उम्मीदें बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों हाल ही में मतलब कि कुछ स्मार्टफोन्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी शार्प इमेजेस देते हैं और कुछ स्मार्टफोन काफ़ी स्मूथ इमेजेस देते हैं। दोस्तों इसके पीछे भी इसी रेशियो का काम हो जाता है। मैक्सिमम मतलब कि यही देखने को मिला है कि जो मतलब कि RGB के फॉर्मूला जब भी मतलब कि रॉन्ग हो जाता है दोस्तों, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। और दोस्तों ये कैमरे के ऊपर भी डिपेंड हो जाता है, लेकिन दोस्तों और लेंस के ऊपर भी डिपेंड हो जाता है। फिर भी दोस्तों जो RGB के फॉर्मूले में कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाता है। और दोस्तों कई बार ऐसा देखने को मिलता है जो मतलब कि फ़ोटो है उसमें जो डार्क कलर है वो थोड़ा सा मतलब कि डार्क ग्रीन या फिर इस तरह से कलर से थोड़ा मतलब कि डार्क कलर से मतलब कि ब्लैक कलर से थोड़ा हटके कलर हो जाता है। तो दोस्तों इसके पीछे डिस्प्ले का भी मतलब कि रोल देखने को मिलता है। तो दोस्तों LCD डिस्प्लेज होती है दोस्तों, उसमें काफ़ी मतलब कि इशू देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों LED डिस्प्ले मतलब कि जो कलर होता है उसको काफ़ी मतलब नेचुरल रखता है। और दोस्तों जो कैमरा है वो मतलब कि जो आपको डिस्प्ले होता है जो फ़ोटो, तो दोस्तों वो आपको डिस्प्ले के ऊपर ही फ़ोटो डिस्प्ले होता है। और दोस्तों इस कारण मतलब कि फ़ोटो आपको थोड़ा अजीब सा दिखने को मिल जाता है। और दोस्तों हाल ही में मतलब कि जो AI की जो ऑप्टिमाइजेशन अगर कैमरा में किया जाए तो दोस्तों काफ़ी मतलब कि अच्छा हो जाता है। लेकिन दोस्तों जो मतलब कि हर एक पिक्सल में किसी टाइप का मतलब कि फॉर्मूला लग जाता है, और दोस्तों उस फॉर्मूले के अनुसार मतलब कि ऐसा होता है जो मतलब कि इमेजेस होगी वो आपको नेचुरल दिखेगी। लेकिन दोस्तों अब AI की जो ऑप्टिमाइजेशन और मतलब कि कैमरा में अगर किया जाए तो दोस्तों काफ़ी मुश्किल बात है। लेकिन दोस्तों अगर एक बार हो जाए तो आपको कलर नेचुरल देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों जो AI मतलब कि अगर ऑप्टिमाइजेशन AI के ऊपर डिपेंड है कि किस स्मार्टफोन में के कैमरे में किस स्मार्टफोन मतलब कि किस जनरेशन की AI लगी है। अगर दोस्तों जनरेशन मतलब कि वाइज देखा जाए, AI अगर मतलब कि लेटेस्ट जनरेशन की लगाई जाए तो जो इमेज स्टेबिलिटी वगैरह भी मतलब अच्छी रहने की उम्मीद रहती है। और दोस्तों जिस तरह कैमरा मतलब कि स्मार्टफोन के जो कैमराज होते हैं उसके जो काउंट है वो ज़्यादा बढ़ते रहे, जैसे कि आजकल अब नोकिया जो फ़ोन लाने वाला है उसमें 5 मतलब कि कैमरास आ रहे हैं, और दोस्तों वो स्टेबिलिटी को काफ़ी अच्छे ढंग से यूज़ कर सकता है। और जो स्टेबिलिटी मतलब कि 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होती है ऐसे तो, लेकिन दोस्तों ये भी कुछ हद तक जो कम कैमरे की स्टेबिलिटी है दोस्तों उसको काफ़ी अच्छा करने की कोशिश करेगा। दोस्तों जो स्टेबिलिटी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होती है तो दोस्तों बहुत ये दोस्तों ये जिस पर मतलब कि डिपेंड होती है वो होती है EIS और OIS। तो जो दोस्तों OIS होती है उसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, और EIS की होती है इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। जो दोस्तों OIS से दोस्तों वो मतलब कि जो डार्कनेस में फ़ोटो लेना मतलब कि काफ़ी अच्छा रहता है उसमें, और दोस्तों काफ़ी फ़ायदेमंद सेंसर हो जाता है डार्क इमेजेस के लिए, जैसे कि कोई इमेज अगर डार्क में लेनी हो। और दोस्तों जो EIS का फ़ायदा है दोस्तों वो अगर आप वीडियो को मतलब कि ले रहे हो तो उसमें जो शेकनेस आएगा दोस्तों वो उसको दूर करता है। दोस्तों जो आज की डेट में कैमरा यूज़ हो रहे हैं तो मतलब कि वो काफ़ी अच्छे लेवल के कैमरा यूज़ हो रहे हैं फ़ोन में, जैसे कि 48 मेगापिक्सल। लेकिन दोस्तों जो मतलब कि उसमें जो मेगापिक्सल्स है दोस्तों, 1 मेगापिक्सल में 4 सेक्शन करके 4 मेगापिक्सल को फिट किया जा रहा है दोस्तों। इस तरह से मतलब कि उसकी जो इमेज क्वालिटी है उसको काफ़ी अच्छे ढंग से इंक्रीज़ किया जा रहा है। और दोस्तों आने वाले टाइम में जैसे कि आजकल फोन्स आ रहे हैं 48 मेगापिक्सल वाले दोस्तों, उसमें भी उसी टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है, जिसमें कि 12 मेगापिक्सल के कैमरे को 48 मेगापिक्सल का कैमरा इसी तरह बनाया जा रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।